आखिर चुनाव आयोग कर क्या रहा है? प्रधानमंत्री मोदी के कई भाषणों के बीच इस बीच कई सवाल खड़े हुए, सोशल मीडिया में उनकी निंदा हुई, लोगों ने कहा कि उन्होंने भाषा की मर्यादा तोड़ी है, तो क्या वाकई में चुनाव आयोग सोया रहेगा? अब इसे लेकर जवाब आ चुका है दोस्तों। चुनाव आयोग की तरफ से आप कह सकते हैं क्या पहला एक्शन होने के संकेत मिले हैं। अभी थोड़ी देर पहले की एक खबर है और आज ही ये खबर है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को बकायदा इस पूरे के पूरे मामले में बयान जारी कर जवाब मांगा गया है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को कहा है कि वो बयान दे किसके भाषण पर, प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के भाषण पर। दोस्तों हुआ ये कि दो शिकायतें गई थी चुनाव आयोग के पास। सबसे पहले तो पीएम मोदी ने जो राजस्थान के बांसवाड़ा में मंगलसूत्र वाला बयान दिया था, एक समुदाय विशेष को एक तरह से भड़काने को लेकर शिकायत कांग्रेस पार्टी ने दी थी, लिखित शिकायत दी थी चुनाव आयोग के पास। वो शिकायत पहले ही पहुंच गई थी, चुनाव आयोग ने वो शिकायत रिसीव भी कर ली थी और चुनाव आयोग की तरफ से सूत्रों के हवाले से भी जानकारी आने लगी थी कि चुनाव आयोग इस पूरे मामले में जाँच शुरू कर चुका है। अब खबर आई है दोस्तों कि इस पूरे के पूरे मामले में चुनाव आयोग ने दो टिप्पणियां की हैं। इस पूरे मामले में इलेक्शन कमीशन ने जनप्रतिनिधि कानून के सेक्शन 77 के तहत दोनों पार्टियों के अध्यक्षों को नोटिस भेजा है, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस। आयोग ने स्टार प्रचारकों की फौज उतारने के लिए पहली नजर में पार्टी अध्यक्षों को ही जिम्मेदार माना है, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष ही तय करते हैं कि कौन कहां रैली करेगा, इसलिए पार्टी अध्यक्ष को जिम्मेदार माना है चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग ने कहा है कि अपने प्रत्याशियों के कामों के लिए राजनीतिक दलों को ही पहली जिम्मेदारी उठानी होगी, खासतौर पर स्टार कैंपेनर्स के मामले में। ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के चुनावी भाषणों का असर ज्यादा गंभीर होता है। दोस्तों चुनाव आयोग की इस टिप्पणी को सुनकर समझ कर तो ऐसा ही लगता है कि सबसे ऊंचा पद तो इस देश में इस वक्त प्रधानमंत्री का है और प्रधानमंत्री जिस तरह के भाषण दे रहे हैं लगातार, वो एक समुदाय विशेष को एक समुदाय विशेष के खिलाफ करता है। तो क्या पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग ने टिप्पणी की? हालांकि किसी एक नेता का नाम यहां पर नहीं लिया, क्योंकि शिकायत यहां पर दोनों ही नेताओं को लेकर आई थी, कांग्रेस की तरफ से पीएम मोदी की शिकायत और बीजेपी ने राहुल गांधी की शिकायत की थी। दोस्तों बीजेपी ने सोमवार को चुनाव आयोग से कहा था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश में गरीबी बढ़ाने का झूठा दावा कर रहे हैं कि मोदी जी आए तो गरीबी बढ़ गई, देश को भाषा के आधार पर उत्तर दक्षिण में बांट रहे हैं और उनके खिलाफ सख्त एक्शन हो। तो कांग्रेस की शिकायत गई थी बीजेपी द्वारा, बीजेपी की शिकायत गई थी कांग्रेस द्वारा। दोनों ही मामलों में चुनाव आयोग ने दोनों ही पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से कहा है कि आप स्पष्टीकरण दीजिए, जवाब दीजिए। अब इस पूरे मामले में आयोग ने दोनों ही पार्टियों के अध्यक्ष से 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा है, यानी कि दूसरे चरण के मतदान के बाद दोनों ही पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को जवाब देना होगा। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान जिसको लेकर हर ओर उनकी निंदा हो रही है, अब पार्टी अध्यक्ष इस बयान में क्या जवाब देंगे चुनाव आयोग को, और क्या चुनाव आयोग संतुष्ट दिखाई देगा, क्या चुनाव आयोग संतुष्टि जाहिर करेगा इस मामले में? जो भी हो दोस्तों, नजर सबकी चुनाव आयोग पर होगी, क्योंकि सबसे बड़ी साख पर जो प्रश्न चिन्ह इस बीच लगे हैं वो चुनाव आयोग पर लगे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन। ये दो ऑप्शन है दोस्तों जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।